गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम टू एमएस लिटरेचर पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड बुक मोमेंट्स इज गोइंग ऑन। फ्रॉम व्हिच लेसन फोर आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन द किंगडम ऑफ फूल्स थ्री पैसेजेस ऑफ द स्टेशन हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय रीडिंग। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पैसेज। पेट्रिशियन फोर्थ पैसेज, व्हिच लेसन दिस लेसन। एंड फोर्थ पैसेज, वन ब्राइट डे ऑफ ही ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother arrived to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his ancient friend, wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice." The king one day, what happened? ये की बात ये है, एक चोर ने एक मर्चेंट के घर में छेद बनाया, वॉल पे होल करके अंदर इंटर किया और वो जैसे वहां पे इंटर किया और इंटर करने के बाद में सामान लेकर के बाहर निकल रहा था, उसके ओल्ड हाउस था वो उसके घर पर गिर गया, कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड बिल्कुल फेल डाउन by breaking, दीवार टूट करके सिर पर गिर गया, इतना वीक था। उसका भाई ऑन स्पॉट मर गया, चोर ऑन स्पॉट मर गया। उसका भाई राजा के पास जाता है, his brother went to the king straightly and complained about his brother। कहता है जिस भी मेरा भाई ancient trade and पता बहुत प्राचीन हमारा व्यापार है, बिजनेस है, उसी अकॉर्डिंग हो गया क्या काम करने और दीवार टूट गई। मर्चेंट को दीवार मजबूत कराना चाहिए था, नहीं बनाया, मेरा भाई मर गया। सो मर्चेंट इज टू ब्लेम, मर्चेंट जो है वो दोषी है, ही शुड बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी चाहिए। राजा ने सुना, राजा जस्टिस विल बी डन, ठीक है न्याय किया जाएगा, डोंट वरी। तुरंत उसने बुलाया, घर के मालिक को बुलाया, मर्चेंट को आप पहुंचता है। राजा क्वेश्चन करता है, मर्चेंट से, व्हाट्स योर नेम, योर हाइनेस। Such and such, वो अपना नाम बताता है। Where you at home? क्या तुम घर पर थे जब ये मृत आदमी आपकी हमें चोरी कर किया? Burglate, burglate means चोरी करना। तब इसने चोरी किया, शेद काटा दीवार में आप थे। My lord, yes. उसने वो घर में एंटर किया, he broke in my house. होली द वॉल, वॉल कमजोर था, इसके ऊपर गिर गया। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, उसने कहा कि उसके ऊपर गिर गया, बहुत ही कमजोर था इसलिए वो गिर गया। वो अपना
एक्यूज था मर्चेंट अपराधी का, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। उसने कहा तुम्हारी दीवार से आदमी का भाई मारा गया, इट मीन्स आपने मर्डर किया है, यानी मर्चेंट को बुला गया, आपने मर्डर किया उसका, हमें आपको पनिशमेंट देना है। हाइनेस सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। मर्चेंट ने रिक्वेस्ट किया, लॉर्ड मी लॉर्ड, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार को तो बनाया नहीं, वास्तव में ये फॉल्ट किसका है, उस आदमी का जिसने वॉल को बनाया, उसने सही तरीके से बनाया नहीं, तो यू शुड पनिश दैट पर्सन हु बिल्ट इट, जिसने इसको बनाया उसको पनिश करना चाहिए। मी लॉर्ड वॉल जो है बनाया गया था मेरे फादर के समय बनाया गया था, और मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो तो बुड्ढा हो गया है और पास में ही रहता है। राजा ने मैसेंजर्स को भेजा तो ब्रिक इन द ब्रिक लेयर लाने के लिए, उस ब्रिक लेयर को जिसने इसको बनाया था वाल को, वो आया वैश्यवाई टाइट हैंड एंड हाथ पे बात करके लाया गया। यो देयर टू बिल्ड, राजा ने पूछा आप सबने शादी की वाल को बनाया था फादर टाइम में? यस मी लॉर्ड। किस तरह का दीवार आपने बनाया? ये तो इस पूरा आदमी बेचारे आदमी के ऊपर गिर गया और मर गया। एक पीस तुम सबने इसका मर्डर किया, हमें तुम सभी को मृत्यु दंड देना है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ बिफोर द किंग कुड ऑर्डर, और राजा ऑर्डर दे फांसी की सजा सुनाए इसके पहले गरीब जो ब्रिक लेयर्स थे, ब्रिक लेयर्स उन्होंने प्लीट किया, रिक्वेस्ट किया मेरी बात को सुने सर, अपने ऑर्डर को देने से पहले। ये तो सही है कि मैंने इस वॉल को बनाया, आई बिल्ट दिस वॉल, बट इट वॉज नो गुड, ये अच्छा नहीं है, दैट वॉज क्योंकि मेरा दिमाग उसमें सही नहीं था। मुझे याद आ रहा अच्छे तरीके से, एक डांसिंग गर्ल थी, नृत्यिका थी, जो आ रही थी और जा रही थी उस सड़क पर, पूरे दिन अपने पैर को बजाती हुई आ रही थी जा रही थी, और मैं अपना ध्यान पुनः से आई कुडेंट कंसंट्रेट माई सेल्फ ऑन द वॉल जिसको मैं बना रहा था। You must get the dancing girl. आपको उस dancing girl को बुलाना चाहिए। मैं उसको जानता हूँ, पास में रहती है। The case depends, अभी केस जो है गहरा से गहरा होता जा रहा था। तुम सही कह रहे हो, हम इसकी तलाश करनी चाहिए। ये आसान नहीं जज करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। ठीक है, उस डांसर को बुलाया जाना चाहिए, जहाँ कहीं भी हो डांसर गर्ल आती है। That time she has become very old, तो बहुत old हो चुकी होती है, इतनी बड़ी आ जाती है। Traveling, shivering, she came there in the cold dark night, दरबार में आती ही कांपती हुई। क्या तुम आ रही थी, जा रही थी कई बार से पहले, जब पूर आदमी जो है दीवार को बना रहा था, तुमने देखा? Did you see? क्या तुम उसको देखा था? My lord, मुझे याद आ रहा अच्छे से। So you did walk, तो तुम आ रही थी और जा रही थी, और तुम्हारे एंकलेट बज रहे थे, पैर बज रहे थे, यू आर यंग, उसमें तुम यंग थी, और इन सभी को डिस्ट्रैक्ट करती, इन लोगों का ध्यान विचलित करती, डिस्ट्रैक्ट विचलित करना। इसलिए दीवार को उन्होंने लोग वीक बना दिया, कमजोर बना दिया, ये गिर गया इस बेचारे चोर के ऊपर गिर गया, पर ग्लैमिश चोर होता है, और वो मर गया, दीवार उसको मार डाला। इट मीन्स आपने मारा है इस इनोशेंट व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को आपने मारा है, और तुम्हें सजा मिलनी ही मिलनी है, मैं सजा दूंगा। वह सोची एक मिनट के लिए, फॉर अ मोमेंट सी थॉट, हू डांसर गर्ल, वी लॉर्ड प्लीज वेट, मैं जानती हूँ मैं क्यों आ रही थी और जा रही थी, मेरे पास आई हैड गिवन
मैंने दिया था कुछ सोना दिया था उस गोल्ड स्प्रिंग को सुधार को, ज्वेलरी तैयार करनी थी मेरे लिए, और वो बहुत लेजी वर्क कर रहा था स्कॉल्ड्रेन। वो कई बार मुझे आने जाने के लिए फोर्स किया, मैं बार बार जाती थी तैयार नहीं था, फिर मैं जाती थी। इट मीन्स ही फोर्स मी टू वॉक अप टू अप एंड डाउन ऑन द रोड, उसने फोर्स किया। He made me walk up and down his house a dozen times. जब भी ब्रिकलेयर ने मुझको देखा, it's not my fault, my lord, it's damned goldsmith fault, कि उस goldsmith सुनार की गलती है, इसने ऐसा किया। See, absolutely right, रजन का तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। Begging the evidence, evidence, proof, प्रमाण को वेट करते हुए, हमें रियल कल्प्रिट हम पा गए हैं अब। Now we have got the real culprit, real accused. Goldsmith को बुलाया जाए, जहां कहीं भी हो तुरंत बुलाया जाए इसको। बुलाया जाए। Kings bailiffs search for the goldsmith. अब राजा के जो bailiffs थे, राजा के जो law officers थे, law officers वो goldsmith की तलाश में चले गए, जो एक कोने में छिपा हुआ था, अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था, बैठा था। जब उसने सुना accusation means offense, blame, उसने आरोप सुना अपने दिल पर। वो आया कहा, मिलॉर्ड, मैं तो पूर गोल्डस्मिथ हूँ, ये सही है कि मैंने डासर को आने जाने के लिए फोर्स किया कई बार, मैंने उसको एक्सक्यूज दिया था बिकॉज, क्योंकि मुझे वर्क समाप्त करनी थी, प्लीज मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई प्लीज द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। एक रिच मर्चेंट था, धनी व्यापारी था, उसके ऑर्डर को कंप्लीट करना था, क्योंकि उसके घर शादी थी, दे वो वेट कर नहीं सकता था। आप जानते सर हाउ इंपेशेंट रिच मैन आर, कितने इंपेशेंट होते हैं, कितने ये लोग अधीर होते हैं, बेचैन होते हैं इस सामान को जल्दी कराने के लिए। वो रिच मर्चेंट कौन है जो वो कैप्टिव फ्रॉम फिशिंग दिस वर्क, जो इस बेचारी औरत के वर्क को करने से आपकी मदद था, कौन है? ब्रिकलेयर और इसी की दीवार खराब कर दी। हालन और इनोशेंट आदमी के ऊपर दीवार दे दी और मर गया, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? गोल्डस्मिथ रिफ्लेक्टेड अ मोमेंट, पल भर के लिए रिफ्लेक्ट हुआ, उसने कहा यस, वह कोई और नहीं है देन ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक ही है जिसकी दीवार गिरी हुई है। जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय पूरे सर्किल में आ गया था। राजा ने सोचा मर्चेंट को आप सुना खिलाओ, पॉइंट ही वाज योगली समन। जब वो आया बैक टू द कोर्ट, कोर्ट में क्या ही अराइव, पहुंच अच्छी लाते हैं पहुंचा, इट वाजंट मी, मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिसने ऑर्डर दिया था झोली का, वो तो मर गए, मैं इनोशेंट हूँ, हिज डेड बट आई एम इनोशेंट। बट द किंग कंसल्टेड, राजा ने बोला, कंसल्टेड राजा ने सलाह लिया अपने मिनिस्टर से और रोल डिसेंडली बड़े ही सोच विचार के डिसीजन लिया। ट्रू इट्स ट्रू, योर फादर इज ट्रू मर्डर, आप ये सही कि तुम्हारे फादर मर्डर हैं, वो हत्यारे हैं, वो मर गए, समबडी मस्ट बी पनिश्ड, तो किसी न किसी को इस प्लेस में मरना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, न किसी न किसी को सजा मिलनी चाहिए, और तुम सब संपत्ति के अपने फादर की प्रॉपर्टी की
इनहेरिटेंस हो, उत्तराधिकारी हो क्रिमिनल फादर की, उस क्रिमिनल फादर से जो भी चीजें सब की तरफ गए तो वो शो यू आर रियल कल्प्रिट। आई न्यू, मैं तो समझ गया व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू आर एट रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक केस में तुम्ही मेन हो, तुम्हें मरना चाहिए, अवश्य मरना चाहिए। उसने ऑर्डर दिया स्टेक तैयार करने के लिए, एक्सक्यूजन सजा फांसी के लिए, सर्वेंट्स ने स्टेक को तैयार किया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर बट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ गिल्टी, लेकिन जो व्यापारी था वो पतला पड़ गया एक्यूज्ड ऑफ स्टेक, स्टेक के लिए उस फंदा लगाया गया था उसके लिए बहुत पतला पड़ गया वो। ही अपीटेड द किंग्स कॉमन सेंस, किंग टू वरीड, अब राजा चिंतित हो गया, व्हाट शुड बी डन नाउ, क्या होना चाहिए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ऑल द नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो स्टेक में फिट रह जाए। सर्वेंट्स को तुरंत भेजा गया ऑल अराउंड इन द टाउन टू सर्च सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति लाओ जो स्टेक में फिट हो जाए। सबकी आंखें जो है टिकी थी, फिर जाकर के डिसिपल मिल गया जो खा पी के मोटा हो गया था, लोगों ने उसको ही देख के लोग उसको डिसिपल को लेकर के आते हैं। आपको ये टेलर वर्ल्ड मीनिंग, इट्स ओवर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।